दिस इज़ आकाशक्षा सिंह वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जर एफ जो ये वन लाइनर क्वेश्चन का लास्ट वीडियो था मीन्स पार्ट नंबर जो टेन था उसमें हमने फोर्टी टू क्वेश्चन तक डिस्कस किया है यह नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर एलेवन में हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री से डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो so, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री से तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्या है स्पाइना बाइफाइडा इज कॉज ड्यू टू द डिफिशंसी ऑफ तो जो स्पाइना बाइफाइडा है ये किसकी डिफिशेंसी से होता है तो ये होता है डायट्री फोलेट या फिर उसको हम बोल सकते हैं फॉलिक एसिड तो डायट्री फोलेट लिखा है या फॉलिक एसिड लिखा है तो दोनों ऑप्शन सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट कंटेन डबल फोर्टिफाइड एक तो हमने पढ़ा है ना आयोडाइज आयोडीन्स फोर्टिफाइड सॉल्ट वो सिंगल हो गया अब जब हम बात करते हैं डबल की तो डबल में आयरन भी हो जाता है आयोडीन एंड आयरन ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन आयरन दोनों न्यूट्रिय को फोर्टिफाई किया गया है तो उसको हम बोलते हैं डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट फोर्टिफाइड मीन्स कोई सब्सटेंस या हम बोल सकते हैं कोई फूड है जिसमें वो सब जैसे आयरन यहाँ पर हमने सॉल्ट ही ले लिया सॉल्ट था सॉल्ट में आयोडीन नहीं प्रजेंट था उसको अलग से एड किया गया है दिस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन और एक सौ एक वर्ड हम यूज़ करते हैं इनरिचमेंट इनरिचमेंट जैसे हम वीट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वीट से हमने फ्लोर बनाया मीन्स आटा बनाया इन प्रोसेसिंग के टाइम जो भी न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ है उन न्यूट्रिएंट को ऐड करना उसको हम बोलते हैं इन्रिचमेंट फोर्टिफिकेशन मीन्स नया कोई नया न्यूट्रिएंट ऐड करना उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिपिड एब्जॉर्बशन लीड्स टू कंडीशन इज नोन एज लिपिड मीन्स फैट जब फैट का प्रॉपर एब्जॉर्बशन नहीं होता है बॉडी में तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटोहोरिया तो ये कंडीशन होती है जब फैट का प्रॉपर एब्जॉर्बशन नहीं होता है बॉडी में उसको बोलते हैं स्टेटोहोरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज रैंकिंग ऑफ फूड बेस्ड ऑन द पोस्ट ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कंपेयर्ड विद द रेफरेंस फूड यहाँ पे रेफरेंस फूड में क्या लेते हैं रेफरेंस फूड में लेते हैं ब्रेड ठीक है तो ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं कि ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और किसी पर्सन ने कोई पर्सन है उसको खाना खिलाया जो नॉर्मल खाना वो खा खा रहा है या जो भी या फिर जिस भी फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालनी है वो फूड खिलाया और यहाँ पे दिया है पोस्ट प्रेंडियल मीन्स खाना खिलाने के बाद का तो खाना खिलाने के बाद उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल चेक किया ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ा कितना कम हुआ क्या चेंज हुआ फिर उसको कंपेयर करते हैं ब्रेड की ग्लाइसमिक इंडेक्स से वो जो ग्लाइसम ब्लड में ब्लड में जो शुगर का जो लेवल बढ़ा या जो भी चेंजमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं ग्लाइसमिक इंडेक्स मीन्स ब्लड में जो शुगर लेवल जो है बढ़ रहा है कम हो रहा है किसी फूड के खाने से उसमें क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसमिक इंडेक्स और रेफरेंस फूड अगर हम बात करें ग्लाइसमिक इंडेक्स के लिए क्या है तो ब्रेड है और प्रोटीन के लिए रेफरेंस फूड हमने क्या पढ़ा था एग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ग्लाइसेमिक लोड द ग्लाइसेमिक लोड विच एसेज द टोटल ग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ द डाइट मीन्स टोटल कितना इफेक्ट है डाइट का उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड जेंडर डिफरेंस इन बी एम आर बेसल रेट जो बी एम आर मीन्स जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो उसमें जेंडर डिफरेंस क्या है अगर कोई फीमेल है और कोई मेल है तो दोनों में बी में क्या डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं जेंडर डिफरेंस इन बी एम फीमेल का बी क्या है मेल का बी क्या है उन दोनों के बी में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं जेंडर डिफरेंस इन बी एम आर द बी एम आर फॉर वुमेन इज जो फीमेल है या जो वुमेन है उसके लिए टेन टू ट्वेल्व परसेंट लोअर होता है देन दोज ऑफ मैन लाइक सेम एज सेम हाइट और सेम वेट के जो पर्सन हैं लाइक एज अगर हम मान लें ट्वेंटी नाइन हाइट हमने मान ली कितनी वन सिक्सटी सेंटीमीटर वेट हमने मान लिया कितना फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर फिफ्टी फाइव के जी ये सेम पैरामीटर का एक फीमेल है एक मेल है तो दोनों का बी एम आर जो है वो डिफरेंस होगा अगर जो पर मेल है मेल का बी एम आर अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं जो भी है उससे टेन से ट्वेल्व परसेंट कम बी एम आर फीमेल का होगा सेम एज सेम हाइट सेम वेट के जो दो पर्सन है एक मेल है एक फ़ीमेल है तो फीमेल का जो बी एम आर है वो हमेशा कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो मिनरल्स द मिनरल्स प्रजेंट एट लेवल लेस देन ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट इन ह्यूमन बॉडी जो भी ह्यूमन बॉडी है उसका वेट अगर फिफ्टी के जी है तो फिफ्टी के जी का ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव परसेंट निकालेंगे ये जो जीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव परसेंट जो वैल्यू आएगी उतना होता है माइक्रो मिनरल्स बॉडी में और ये माइक्रो मिनरल हैं क्या आयरन आयोडीन जिंक कॉपर फ्लोरीन सेलेनियम क्रोमियम मैंगनीज कोबाल्ट एंड मोलिबनम ये सारे हैं माइक्रो मिनरल्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है ओवरवेट एंड ओबीज हमने अभी कल ही पढ़ा था कि जो बॉडी मास इंडेक्स है लास्ट वीडियो में तो बॉडी मास इंडेक्स से हम क्या देखते हैं मोटापा तो यही हम बीएमआई से चेक करते हैं पर्सन ओवर वेट है या ओबीज है तो ओवर वेट पर्सन कौन है ओबीज पर्सन कौन होते हैं एडल्ट वेटिंग उनका वेट टेन परसेंट मोर देन स्टैंडर्ड वेट इज ओवर वेट एंड ट्वेंटी परसेंट मोर इज ओबीज हमने कल लास्ट के वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि आइडियल वेट आइडियल वेट कैसे निकालते हैं तो ब्रोकाज इंडेक्स से हम आइडियल वेट निकालते हैं लाइक किसी का कोई आइडियल वेट है फिफ्टी 50 से जब 10 परसेंट ज़्यादा होगा अगर 10 परसेंट ज़्यादा है तो पर्सन आएगा ओवरवेट की कैटेगरी में और 50 से 20 परसेंट ज़्यादा है तो पर्सन आएगा ओबीज की कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विटामिन ए डिफिशेंसी विटामिन ए डिफिशेंसी के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं ठीक है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम नेट के पेपर में आता है उसमें भी सिक्वेंस लगाने में कि सारे फीचर्स दे देंगे और उनको सिक्वेंस में अरेंज करना है तो यहाँ पे ये यह सिक्वेंस है तो यहाँ से भी आप इनका सिक्वेंस लर्न कर सकते हैं कि विटामिन ए की डिफिशेंसी से आई प्रॉब्लम होती है, आई प्रॉब्लम में भी सबसे पहले आता है नाइट ब्लाइंडनेस फिर आता है कंजक्टाइबल जरोसिस फिर आता है बाइटॉट स्पॉट फिर कॉर्नियल जेरोसिस फिर जेरोक्थेलमिया और करोटोमलेसिया जहाँ पे यह ज़ीरो वर्ड लिखा है ज़ीरो मतलब ड्राइनेस पहले कंजेक्टि कंजक्टाइवा ड्राई होती है उसके बाद कॉर्निया ड्राई होती है फिर पूरी आई ड्राई होती है उसके बाद आता है करोटोमलेसिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेसाइटाइटिस एंड कोलेथियसिस कोले ये क्या है तो ये किडनी से ये गॉल ब्लेडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो भी कैसे जब गॉल ब्लेडर में जब स्टोन होती है तो स्टोन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है स्वेलिंग होती है उसको कोलो कोलेसाइटाइटिस एंड कोलेलिथियासिस बोलते हैं डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लेडर यहाँ पर डिजीज दिया है डिजीज़ मेनली क्या है जब गॉल गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्निक कार्स कॉफ सिंड्रोम कॉज्ड बाई वर्निक कार्स क्रॉफ सिंड्रोम किससे होता है विटामिन बी वन की डेफिशेंसी से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज बाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये किससे होता है ये फॉलिक एसिड की डेफिशियंसी से होता है नेक्स्ट है इर्थरोट होम्योलिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ विटामिन ई देखो इर्थरोसाइट क्या है हमने पढ़ा है ना आर बी सीज रेड ब्लड सेल्स होम्यो मीन्स ब्लड यहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो आर बी सी लिसिस मतलब ब्रेक डाउन आर बी सी का जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका ब्रेक डाउन क्या का एक रीज़न और क्या है तो इनका एक रीजन और है कि जब विटामिन ए ई की डिफिशियंसी होगी तो आर बी सी का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा मीन्स आर जो है वो ब्रेक ब्रेकडाउन होगा डिस्ट्रक्शन होगा अब जब आर का डिस्ट्रक्शन होगा तो एनीमिया भी कॉज होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर एनीमिया की हम बात करें तो विटामिन ई e की डिफिशेंसी भी एक कॉज है एनीमिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोटीमिया इज एजोटीमिया इज हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन ब्लड ब्लड में जब नाइट्रोजन का जो कंसनट्रेशन है ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एजोटीमिया नेक्स्ट इज कोबाल्ट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ तो इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो कोबाल्ट co है वो सिर्फ विटामिन बी ट्वेल्व में ही प्रेजेंट होता है और ये विटामिन बी ट्वेल्व का एक इसेंशियल कंपोनेंट है वो है कोबाल्ट इसलिए इसको साइनो कोबेला भी बोलते हैं द टॉक्सिन कॉजस सिरहसिस ऑफ लीवर इज कौन सा टॉक्सिन जो है लीवर सिरोसिस कॉज करता है लीवर सिरहसिस मीन्स जो लीवर की सेल्स हैं सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना सेल्स का ब्रेक डाउन होना लीवर की सेल्स का तो ये कौन सा टॉक्सिन करता है एफ्लाटॉक्सिन तो बताना आपको ये है कि ये एफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है ठीक है ये एफ्लाटॉक्सिन किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके और ये लीवर सरहॉसिस कॉज करता है मीन्स जो लीवर की सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन करता है लीवर की सेल को डैमेज करता है ये टॉक्सिन है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कंसनट्रेटेड यूरन प्री डिस्पोजिस टू कंसनट्रेटेड यूरिन प्री डिस्पोजिस टू ये क्या कॉज करती है ये रेनल कैलकुलाई रेनल कैलकुलाई मीन्स कैलकुलाई को भी हम स्टोन बोलते हैं मीन्स रेनल स्टोन कंसनट्रेटेड यूरिन यूरिन यहाँ पे क्या है अगर जब बॉडी में वाटर की कमी है या डिहाइड्रेशन हो रहा है तब जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है और उसकी वजह से रीनल कैलकुलाई होता है यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं अगर वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन होता है या वाटर की कमी हो रही है बॉडी में या कंसनट्रेटेड यूरिन हो रहा है तो इसके बहुत सारे इन्फेक्शन्स हो सकते हैं एक तो रीनल कैलकुलाई मीन्स रेनल स्टोन होगा यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं नेक्स्ट इज़ वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर बर्थ कौन सी वैक्सीन बर्थ के तुरंत बाद या जन्म के तुरंत बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है बीसीजी बीसीजी की वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद दी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर वैक्सीन जो एमएमआर वैक्सीन दी जाती है तो एमएमआर एम का फुल फॉर्म क्या है मीजल्स मम्स एंड रूबेला एम एम आर इज मेजल्स मम्स एंड रूबेला नेक्स्ट क्वेश्चन इज एविडिन इन एग द एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन अगर हम बात करें एग की तो उसमें एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है एविडिन और ये हीट से डिस्ट्रक्ट अगर हम एग को कुक करते हैं या उसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसका बट अगर इसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये एविडिन जो है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है और ये बायोटिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है कि और बायोटिन जो है अच्छा सोर्स है एग जो है बायोटिन का अच्छा सोर्स है एग में बायोटिन प्रेजेंट होता है और अगर एविडिन को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया गया या एविडिन एग में प्रेजेंट है तो ये बायोटिन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देगा और बायोटिन के साथ साथ कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिनस भी हैं जिनको एविडिन जो है एबजॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में और ये रॉ एग में प्रेजेंट होता है एविडिन और एग को जब कुक करते हैं तो ये एविडिन जो है ये डिस्ट्रेक्ट हो जाता है हीट के कॉन्टेक्ट में आके यह एविडिन जो है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच विटामिन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म में कौन सा विटामिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये थाइमीन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा विटामिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म में तो वो है थाइमीन अगर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो थाइमीन विटामिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी दोनों एक साथ काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है तो वो है पायरविक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट फैक्टर्स डिप्रेसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आर कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं या हिंडर करते हैं तो हमने ऑक्जैलिक एसिड और फाइटिक एसिड ये दो तो हमने पढ़ा है उसके बाद क्या है स्टेटोहोरिया स्टेट मीन्स अगर फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है वो भी कैल्शियम के एब्जॉप्शन को अफेक्ट करेगा उसके बाद कैफीन कैफी, ड्रग्स यहाँ पे एक वर्ड दिया है एजिंग ऐजिंग अगर आपने आरडीए पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है एजिंग का मतलब क्या है एज बढ़ना जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में उतना रिस्पॉन्स नहीं करती है ओल्ड एज तक जाते जाते अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कोई ओल्ड एज का पर्सन है वो 100 ग्राम कैल्शियम ले रहा है तो उसका सिर्फ 30 परसेंट मिस 30 ग्राम कैल्शियम ही उसकी बॉडी में एबजॉर्ब होगा तो एजिंग भी एक बड़ा फैक्टर है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिप्रेस करता है या कम करता है उसके बाद क्या है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड एट कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे रेगुलेट होता है तो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो थ्री लेवल पे रेगुलेट होता है एक तो एब्जॉर्प्शन फिर रीनल एब्जॉर्प्शन देन बोन रिजॉर्प्शन एक तो सिंपल जो बॉडी में जा रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बाद जो किडनी में पहुंच रहा है वहाँ से वो किडनीज को वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बाद बनता है क्या बोन रेजॉर्प्शन मीन्स अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो ये बोन जो है बोन अपने पास से ये कैल्शियम को सिक्रीट करने लगेगी ब्लड के लेवल में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए तो इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन और ये अगर प्रोसेस ज़्यादा हो गई या फास्ट प्रोसेस हो गई तो इससे बोन डेंसिटी कम हो जाएगी बोन वीक हो जाएंगी तो ये बोन रिजॉर्प्शन मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो ये बोन क्योंकि बोन हमारे कैल्शियम से बनी होती हैं तो ये बोन जो है अपना कैल्शियम सिक्रीट करके ब्लड को देने लगती है कि ब्लड का जो जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट रहें तो उससे वो होता है बोन रेजॉर्प्शन तो बोन की रिजॉर्प्शन बोन रिजॉर्प्शन भी अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो उससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है बोन वीक हो जाती हैं और बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये थ्री लेवल पे रेगुलेट होता है और यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन दिया है तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा कि बोन में जो पुराना कैल्शियम जमा है वो कैल्शियम रिलीज होता रहे और बोन पर नया कैल्शियम बनता रहे ये है थर्ड लेवल कैल्शियम के मेटाबोलिज़म का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हारमोन विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल कैल्शियम लेवल तो पैराथायराइड हारमोन जो पैराथायराइड हारमोन है ये कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल या मेंटेन रखने में हेल्प करता है उसके बाद है सोकिंग ऑफ पल्सेस इज डन टू सोकिंग ऑफ पल्सेस पल्सेस को सोक क्यों किया जाता है क्योंकि जो पल्सेस हैं इनमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं जो पल्सेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं तो ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को कम करने के लिए डिक्रीज करने के लिए पल्सेस को सोख किया जाता है या भिगोया जाता है तो सेम में ये डिक्रीज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनको कम करने के लिए दाल को पानी में भिगोया जाता है या सोख किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स इन पल्सेस यही टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स को निकालने के लिए रिमूव करने के लिए पल्सिस को सो किया जाता है तो वो क्या है ट्रिप्सिन इनिमेटर लेथ्रोजन हीमोग साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड ग्वाइट्रोजेंस एंड टेनिन्स अगर आपने लेथ्रोजन्स पढ़ा होगा तो इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है तो इसका नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चन हो गया आपके पास दो एक तो लेथ्रोजन्स इसकी वजह से डिजीज़ कौन सी हो जाती है और दूसरा जो अफ्लाटॉक्सिन है ये किस में पाया जाता है तो अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है ये आपको बताना है और लेथ्रोजन की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सीरियल इन विच फॉर्म फॉस्फोरस सीरियल्स में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये तो हमने पढ़ा कि फॉस्फोरस सीरियल्स में होता है ये फाइटिन के फॉर्म में होता है जो तो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है तो इसकी मल्टीपल प्रोसेस होती है उसके बाद ये बॉडी में अब्जॉर्ब होता है तो फॉस्फोरस जो है फाइटिन के फॉर्म में सीरियल्स में प्रेजेंट होता है तो क्वेश्चन आपके पास है लेथ्रोजन की वजह से होने वाली डिजीज और एफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है ये आपको बताना है एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी हो पीजीटी हो नेट जे हो या कोई भी आपका को ऐसे कोई ऐसे सिंपल कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्यों ना हो तो उन सब के लिए अच्छा बेनिफिशियल है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये वन लाइनर नोट्स हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे होम साइंस से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक बाय बाय